नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज पथ ज्योति आईएएस से जीएस सेकंड पेपर के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे और ये लेक्चर वन होगा आपको। आज संविधान के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस आपको देंगे और नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में चर्चा किया जाएगा आपसे। तो यदि आप विश्व की बात करें तो दो तरीके के संविधान आपको मिलेंगे, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। देखा जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें देखा जाए तो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई पड़ेंगे और ये टेस्ट और इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर हम जज करेंगे और चेक करेंगे कि वेदर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल और नॉट। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पांचवा है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स जिस देश के संविधान में है वहां माना जाएगा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकेंड वन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एंड थर्ड वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फोर्थ वन इज अ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फिफ्थ वन इज अ रिजिडिटी। दीज आर द बेसिक एंड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर देखा जाएगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या नहीं है। यदि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्क्राइब्ड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये माना जाएगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। एक्चुअली द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड आर ड्राफ्टेड बाई द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1787। 1787 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया गया। 17 आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद 89 में अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को और 91 में यहां पे फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। जो मॉडल था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पहला जो लिखित संविधान था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था जो कि 1787 में ड्राफ्ट किया गया। 1789 में उसे अडॉप्ट किया गया, लागू किया गया, इन्फोर्स किया गया और 91 में 2 साल के बाद उसमें फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, प्रथम 10 संशोधन के द्वारा वहां पे फंडामेंटल राइट्स को। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रोल मॉडल बना किसके लिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। और हमने उस मॉडल को और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे उन्होंने इस मॉडल को ही क्या माना, रोल मॉडल, इसी मॉडल को अडॉप्ट कराए। दैट इज द एपिटोम ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और उसी पैरामीटर्स से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को डिसाइड करेंगे, एनालाइज करेंगे।
तो ये देखा जाए कि ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं। यदि है तो हमारा भारत का संविधान जो है वो संघात्मक संविधान होगा, और यदि ये नहीं है तो संघात्मक संविधान नहीं होगा। चलिए वन बाई वन जो है इन्हें टेस्ट किया जाए। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट मैंने बताया वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आपने देखा है कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहा जाता है अलिखित संविधान है। कैसा है? अलिखित संविधान है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिखित संविधान है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन है या नहीं है? रिटन है। आप देखिए कि आपके कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जिसके चेयरमैन बाबा साहब थे, और वहां पे 395 आर्टिकल्स आए। कितने आर्टिकल्स थे? आर्टिकल्स 395। पार्ट जो था कितने थे? 22 पार्ट्स आपके। और यहां पे शेड्यूल जो था इनिशियली 8 शेड्यूल थे और अभी कितने हैं? 12। और टोटल की बात करें तो कितने हैं? 25 पार्ट्स की बात करें। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स में बटा हुआ है, और अभी प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास 12 शेड्यूल्स एंड टोटल पार्ट्स की बात करें तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 25। यदि नंबर में काउंटिंग की बात करें तो फाइनल हेड आपका कौन सा है? 22 है। और आर्टिकल्स की बात करें तो 395 ये फाइनल फिगर है आपका। यदि अप्रॉक्स की बात करें जो इसमें अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं तो 450 के अप्रॉक्स आपके पास आर्टिकल है। यानी ऑल द थिंग्स इज रिटन, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी गई हैं। और वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारे संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो दूसरी बात है वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीमेसी यानी संविधान की सर्वोच्चता क्या होनी चाहिए आपकी? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात, इसकी सुप्रीमेसी को जो मेंटेन करता है वो सुप्रीमेसी को कौन मेंटेन कर रहा है? ये सुप्रीमेसी मेंटेन होती है आर्टिकल 13 से। यहां पे आर्टिकल 13 में क्लास 1 एंड क्लास 2 जब आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 13 के क्लास 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात कर रहा है, और क्लास 2 जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात कर रहा है। यानी इस संविधान के लागू होने पर इमीडिएट बिफोर दिस कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ है कब? 26 जनवरी और 1950। द कमेंसमेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब है? ये 26 जनवरी 1950। जब आप आर्टिकल 394 पढ़ते हो तो वहां पे कमेंसमेंट की बात की गई है, और 394 में कमेंसमेंट में ये बताया गया है कि 16 आर्टिकल्स, जब आप काउंट करोगे तो टोटल कितने हैं? 16 आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को इनफोर्स होंगे, एंड रिमेन्स आर्टिकल जो है वो 26 जनवरी 1950 को इनफोर्स होंगे। और ये बात कहां बताई गई है? आर्टिकल 394 में बता दिया गया। तो 16 आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949, रिमेन्स आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950, और इस 26 जनवरी 1950 के पहले की जो विधियां थी यदि उनका कोई भी प्रावधान, एनी प्रोविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ विच इज इमीडिएट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि उनका कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट से यदि इनकंसिस्टेंट है तो उस सीमा तक वो शून्य हो जाएगा जिस सीमा तक वो इनकंसिस्टेंट है, वाइड हो जाएगा। ये बात, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा लॉ जो संविधान के लागू होने के पहले बनाया गया था और यदि उससे विवाद हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से तो उसका वो प्रोविजन या वो भाग जो इनकंसिस्टेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन से वो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। वाइड टू दैट एक्सटेंट, जहां तक वो असंगत होगा, जहां तक इनकंसिस्टेंट होगा, जहां तक वो विरोध करेगा, उसके प्रतिकूल होगा, उस सीमा तक वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये कंफ्लिक्ट में है। क्या है ये? कहां पे है? विवाद में है तब। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हाल ही में आप देखिए कि 497 आप देखिए, आईपीसी की जो धारा है 497,
377 ये कब की है, आईपीसी आपकी 1860 की है। इसका मतलब ये क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और इसकी कौन सी प्रोविजन, 497 जो एडल्ट्री की बात करता है, 377 जो आपके एलजीबीटी के बारे में बात करता है, और दोनों ही धाराएं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड से यानी फंडामेंटल राइट से क्या हो चुकी है, इनकंसिस्टेंट हो गई, और ये दोनों को दोनों क्या हो गई आपकी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, वाइड हो गई। और इसी तरीके से आपने धारा 303 को देखा है, 303 इंडियन पैनल कोड का, ये क्या है, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के केस में इसे क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये लॉ कब का है, 1860 का, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का है। और इसका कौन सा प्रोविजन, तो 497 आर्टिकल 14 और 21 से असंगत हो गया, क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कर दिया गया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, यस नो, ये डीक्रिमिनलाइज हो गया। तो आर्टिकल 13 जो है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम। दूसरी चीज, आर्टिकल 13 का क्लास 2 जो है वो ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट जो है वो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा, यानी कौन नहीं बनाएगा, स्टेट क्या नहीं बनाएगा, सेल लॉट, वर्ड है सेल, और सेल वर्ड जहां पे आए ये मैंडेटरी बात को शो करता है, किसको शो करता है, मैंडेटरी, मैंडेटरी है। स्टेट सेल लॉट मेक, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो कि इनकंसिस्टेंट होगा, किससे, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और स्टेट वर्ड जो है यहां पे जो आया है, स्टेट को कहां डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 12 में, कहां पे, आर्टिकल 12 में स्टेट को बताया गया है। स्टेट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, बोलो बेटा, और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, ये चार चीजें हैं। इसका मतलब जब भी स्टेट वर्ड आए पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ के लिए, तो इट जस्ट रिफ्लेक्ट इन योर माइंड, ऑल दिस बॉडीज कंसिडर्ड एज अ स्टेट। पार्लियामेंट क्या है, स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट है। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या है आपके, स्टेट। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, यानी ये पार्लियामेंट नहीं बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेशन, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, ये क्या नहीं बना सकती है, लॉ नहीं बना सकती है। लॉ मीन्स व्हाट, ये आपके आर्टिकल 13(3)(a) में बताया गया है कि लॉ मीन्स व्हाट, लॉ को बताया गया है। और लॉ का मतलब एनी ऑर्डिनेंस, क्या बताया गया है, एनी ऑर्डिनेंस, एनी ऑर्डर, एनी रूल, एनी रेगुलेशन, एनी नोटिफिकेशन, एनी नोटिफिकेशन, एनी बाईलॉज, एनी कस्टम आर यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, दीज आर द लॉ, ये क्या है आपके, लॉ है। ऑर्डिनेंस क्या है, लॉ है। ऑर्डर क्या है, लॉ है। बाईलॉज क्या है, लॉ है। नोटिफिकेशन क्या है, लॉ है। रेगुलेशन क्या है, लॉ है। एनी कस्टम एंड यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ये क्या है, लॉ। आप देख रहे हो, कह रहा है कि स्टेट, जैसे ही कहा जाए स्टेट, आर्टिकल 12 आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जैसे ही कहा जाए लॉ, वैसे ही आर्टिकल 13(3)(a) रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब स्टेट शैल नॉट मेक लॉ, इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें नहीं बना सकते हैं, विच इज इनकंसिस्टेंट द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपके फंडामेंटल राइट से क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो। और यदि वो इनकंसिस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, उस एक्सटेंट तक वाइड हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। अब आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में कौन है, पार्लियामेंट जो बनती है वो किससे मिलकर के बनती है, आर्टिकल 79 आप देखोगे, 79 में क्या बताया गया है, एलएस प्लस क्या है, आरएस प्लस क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, पार्लियामेंट क्या है, स्टेट। प्रेसिडेंट क्या है, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यस आर नो। तो ये क्या है आपके, स्टेट। ये क्या प्रोमल्गेट करते हैं, ऑर्डिनेंस। ये क्या, ऑर्डिनेंस को प्रोमल्गेट करता है, यस आर नो। तो ये क्या हो गया, स्टेट।
ऑर्डिनेंस क्या हो गया? लॉ। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, इसका मतलब प्रेसिडेंट ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेट नहीं कर सकते, गवर्नर ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेट नहीं कर सकते, विच इज इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस आर नो? बोलो भाई। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? स्टेट। नोटिफिकेशन क्या है? लॉ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकता, इसका मतलब स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है जो कि आपके पार्ट थर्ड से इनकंसिस्टेंट हो। यह बात क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि कौन सुप्रीम है आपका? कौन सा सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन ही है आपका सुप्रीम है। इसका मतलब कोई भी लॉ यदि जो पहले था या जो अब स्टेट बना रहा है यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन से असंगत होगा, पार्ट थर्ड से क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्रिवेल कौन किया बेटा? तो सुप्रीम कौन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। बोलो। तो ये बात आर्टिकल 13 से क्लियर हो गई आपको कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है या नहीं है। वैसे भी देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको बनाता है, किसको फ्रेम करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका क्या है? नॉर्म्स। जनरली जो लॉ होता है वो क्या है आपका? लीगल नॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? लीगल नॉर्म्स है। बोलो भैया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका? नॉर्म्स है। और ये कैसा नॉर्म है? ग्रैंड नॉर्म है। क्या है आपका? ग्रैंड नॉर्म्स है। इसका मतलब बाकी जो आपके नॉर्म्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो अपने पावर को कहां से रिसीव करते हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। कहां से लेते हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। इसका मतलब सुप्रीम कौन है? यानी ये जो लॉ है, अपनी अथॉरिटी, अपना पावर, ये कहां से लेने वाला है? यहां से। ये कहां से लेने वाला है? इस ग्रैंड नॉर्म्स से लेने वाला है। इससे, और ये जो ग्रैंड नॉर्म्स है यही आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब पार्लियामेंट जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, गवर्नमेंट जो होगी वो कैसी होगी आपकी? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दो बात क्लियर हुई आपकी। तीसरी बात जो है, आपके यहां जो रूल ऑफ लॉ है, क्या है? रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। और रूल ऑफ लॉ में पहला जो कॉन्सेप्ट है डाइसी का, वो क्या कहता है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब रूल ऑफ लॉ है तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और आपके यहां का फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या होगा? सुप्रीम होगा। तो यह बात पूरी तरीके से क्लियर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सुप्रीम है। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी व्यक्ति जो है वो संविधान के ऊपर नहीं है, कोई भी संस्था जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। तो हु इज अ सुप्रीम? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम। ये सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करती है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा इंडिया में फेडरल के, वो है यस आर नो? ये आपके यहां बिलोंग करते हैं। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। चलो जब आप सेवंथ शेड्यूल देखोगे, सेवंथ शेड्यूल जो है वो तीन लिस्ट की बात करती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट तीन लिस्ट है, जहां पे यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उस पर लॉ जो बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उस पर जो लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उस पर पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों बना रही है, लॉ बना रही है। इसका मतलब यहां पे सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है और उनके पावर्स को एलोकेट कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑन विच यू हैव अ पावर टू मेक अ लॉ। यहां पे इन सब्जेक्ट्स पर क्या करना है? आपको लॉ बनाना है। इन सब्जेक्ट्स पर आपको लॉ बनाना है, यानी पावर को क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हियर द टर्म सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जो टर्म है सेपरेशन ऑफ पावर वो अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है? अलग है। बोलो बेटा। तो यहां पे क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ये सब्जेक्ट्स है जिस पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी, ये सब्जेक्ट्स जिस पर कौन बनाएगा लॉ? कौन बनाएगा? यूनियन। इसमें सब्जेक्ट्स जो है वो कितने हैं? यहां पे 100 सब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं? 100। यहां पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं? 61। यहां पे कितने सब्जेक्ट्स हैं? 52 सब्जेक्ट्स हैं। बोलो। और यदि हम बात करें तो पार्लियामेंट किस पर लॉ बनाएगा? 100 प्लस
52, उस पर भी लॉ बना सकता है। ये किस पर बनाएगा? 61 प्लस 52। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगा और इस पर ये बनाएगा। बोलो भाई। और ये जो व्यवस्था हमने अडॉप्ट करी थी कहां पे? 1935 के एक्ट से, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 था वहां पे ये व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट किया गया था। बोलो। और सब्जेक्ट्स को जो डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, यदि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो उसे किसके पास रखा गया? सेंटर के पास, यूनियन के पास रखा गया। यदि वो लोकल इंटरेस्ट का है तो किसके पास रखा गया? स्टेट के पास रखा गया। और ऐसी स्थिति में पावर को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्या किया गया? पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्लियर हो रही है ये बातें? इसका मतलब कि यूनियन अपने स्फीयर में रहकर के काम करेगा, स्टेट अपने स्फीयर में रहकर के काम करेगा, स्टेट इंडिपेंडेंट होगा, ऑटोनॉमस होगा और वो उन सब्जेक्ट्स पर बनाने के लिए क्या होगा? स्वतंत्र होगा। बात समझ पाए आप? यहां पे जो फेडरलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं हम आपसे, तो यहां पे एक अंतर देखिए आप। जब हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहां जो पावर होता है वो पावर को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। जबकि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का क्या किया जाता है? डेलीगेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? डेलीगेट किया जाता है पावर को। ये बड़ा अंतर है, यूपीएससी के लिए अभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, आप जरूर ध्यान दीजिए इस बात को। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जबकि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को डेलीगेट किया जा रहा है। दिस इज द पावर, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ये मैं आपको पावर दे रहा हूं, इस पर काम करिए। ये डेलीगेशन है आपका और डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये आपके पास है और इसी पे आपको काम करना है। यहां पे जो जो डेलीगेट करूंगा वो आपको काम करना होगा और यहां पे ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है? तो यहां पे डेलीगेशन ऑफ पावर है और यहां पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपके इन सब्जेक्ट्स पर आपको पावर है, इन सब्जेक्ट्स पर स्टेट को पावर है और यहां पे सब्जेक्ट्स का और पावर का क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब आर्टिकल 246 पढ़ते हैं आप, 246 क्या, और ये कहां की बात कर रहा है? ये जरा देखो, यूनियन, और ये क्या है आपका? स्टेट। बोलो बेटा, यूनियन किस पार्ट में है? पांच में है, और स्टेट किस पार्ट में है? छह। और सेंटर और स्टेट रिलेशन किस पर है? पांच और छह जोड़ दोगे तो कितने में आ जाएगा? 11 में आएगा। तो जब सेंटर और स्टेट रिलेशन देखोगे, सेंटर और स्टेट रिलेशन में पार्ट 11 देखोगे तो पहला जो रिलेशन है वो क्या है? लेजिस्लेटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है? लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है, उस लेजिस्लेटिव रिलेशन में आर्टिकल 246 इस बात को क्लियर करता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स पर लॉ कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगा। ऐसे सब्जेक्ट्स पर कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसी स्थिति में यदि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है आपका? कैसा है? फेडरल है। यानी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी किसके पास है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, प्रेजेंट है। पहला मैंने आपको बताया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। दूसरा मैंने आपको सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस, दिस एलिमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड वन इज सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यह भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया गया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। आप अपने स्फीयर में रह करके काम करोगे और सेंटर जो है वो अपने स्फीयर में रहकर काम करेगा। बोलो। बट समटाइम्स देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड स्टेट एंड स्टेट्स। ये पॉसिबिलिटी है। तो क्या हो सकता है? सेंटर यानी यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, या स्टेट और स्टेट्स के बीच में क्या हो सकता है? डिस्प्यूट हो सकता है। तो ऐसी कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो आर्बिट्रेट कर सके, ऐसी कोई निष्पक्ष होनी चाहिए बॉडी जो इनके बीच में विवादों को क्या कर सके? रिजॉल्व कर सके, सॉल्व कर सके, उसे एडजुडिकेट कर सके। तो ऐसे में हमारी जुडिशरी कैसी होनी चाहिए आपके? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, निष्पक्ष न्यायपालिका हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, जो ना तो सेंटर का ना तो यूनियन का फेवर करे और ना ही स्टेट का फेवर करे। बोलो। तो अब देखा जाए कि क्या इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है? इज देयर एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? क्या हमारे संविधान में ऐसे कोई प्रोविजन है जो कि इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं? बोलो भैया। तो अब जरा देखिए यहां पर
मैं कुछ प्रोविजंस बता रहा हूं, उन प्रोविजंस को आपको देखिएगा, एलाबोरेट करूंगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में आपसे नेक्स्ट किसी लेक्चर में। जब आप आर्टिकल पढ़ते हो 50, तो आर्टिकल 50 कहता है कि स्टेट सेल इंडिया, स्टेट जैसे ही मैं बोलू और पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ की बात करूं तो आर्टिकल 12 आपके माइंड में रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए। आर्टिकल 12 बोलो बेटा, आर्टिकल 12 और यही बात पार्ट फोर्थ के लिए आर्टिकल 36 में बताया गया। ये 36 से लेकर के 51 तक जो है ये डीपीएसपी है, और 12 से लेकर के 35 तक जो है वो क्या है आपका, ये एफआर है, और ये क्या है आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये आपका पार्ट थर्ड है और ये पार्ट आपका फोर है। यहां पे स्टेट को जो डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल 12 में, और यहां पे जो स्टेट को बताया गया वो आर्टिकल 36 में, और 36 कहता है कि स्टेट का वही मतलब होगा जो कि आर्टिकल 12 में बताया गया। इसका मतलब 36 इक्वल टू 12, और 12 का मतलब क्या, 12 का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में कौन है, आपकी म्यूनिसिपैलिटीज है, आपकी पंचायत है और अदर अथॉरिटी। क्लियर हुआ? तो मैंने आपसे क्या कहा कि आर्टिकल 50 कहता है कि स्टेट सेल इंडिवर, स्टेट क्या करेगा, ऐसा प्रयास करेगा, किस बात का प्रयास करेगा कि जुडिशरी को किससे सेपरेट करने का, एग्जीक्यूटिव से, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं होना चाहिए। बोलो भैया, ये उसके इंडिपेंडेंस को क्या कर रहा है, ये उसके इंडिपेंडेंस को शो कर रहा है। इसका मतलब जुडिशरी अपने स्फीयर में रह करके इंडिपेंडेंट होकर के काम करे। बोलो बेटा, अब जरा देखो दूसरा आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 124 है। आर्टिकल 124 जब आप देखोगे तो वहां पे ये बता रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, कोलेजियम के थ्रू किया जा रहा है, कोलेजियम के थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है यहां पे। और यहां पे जो कोलिजियम बना हुआ है, यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द, फोर सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो मिलकर के क्या बनाएंगे, कोलिजियम बनाएंगे। और ऐसे कोलिजियम सिस्टम के द्वारा ही क्या किया जाएगा, नामों को रिकमेंड किया जाएगा। बोलो बेटा, रिकमेंड किया जाएगा, किसको रिकमेंड किया जा रहा है, ये रिकमेंड किया जा रहा है। और इन्हीं रिकमेंडेड और इन्हीं रेफर्ड नामों से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, उन्हें अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट का रोल यहां पे क्या है, प्रेसिडेंट का रोल है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। बट कैसे, द नेम दिस इज रेफर्ड एंड रिकमेंडेड बाय द कोलेजियम। बोलो, तो ये जो कोलेजियम है, ये कोलेजियम किससे मिलकर के बनी हुई है, जजेस से मिलकर के बनी हुई है, और ये कहां के पार्ट है, जुडिशरी के पार्ट है। इट मींस कि हमारी जो जुडिशरी है उसे इस बात का कोई भी फियर नहीं है कि यदि वो किसी के अगेंस्ट यदि कोई जजमेंट दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में एग्जीक्यूटिव उसके नाम को रिकमेंड नहीं करेगी। बोलो, यहां पे जो रिकमेंडेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, यहां पे इन लोगों के द्वारा जो भी नाम रिकमेंड किए जा रहे हैं वो आपके पास्ट परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड्स के आधार पर नाम को रिकमेंड कर रहा है। बोलो, और जो भी रिकमेंड करते हैं इस नाम को विद द रीजन, ये रीजन भी देते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसे नामों को रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है, यहां पे एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, ऐसे रिकमेंडेड नाम को यदि इनके पास रीजन है तो ऐसी स्थिति में उसे डिनाई कर सकते हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए। ठीक है, अगली बार रिकमेंड करेंगे। बोलो भाई, इनके इनको भी आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट अगेन फिर से रिकमेंडेशन, बट एग्जीक्यूटिव यहां पे अपने से इन्हें क्या नहीं करा सकता है, इंटर नहीं करा सकता। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बट चूज द रिकमेंडेड नेम, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। इसका मतलब आप जो अपॉइंटमेंट करोगे आप उन्हें रिकमेंडेड और रेफर्ड नामों में ही कर पाओगे। इसका मतलब आपका कोई रोल नहीं है एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, साइन एंड सील, आप क्या करोगे उन्हीं में से करना है। तो वी डोंट हैव एनी फियर, हमारे पास ऐसा कोई फियर नहीं कि हम स्टेट के अगेंस्ट यदि कोई जजमेंट दे दिए या यूनियन के अगेंस्ट कोई जजमेंट दे दिए हैं तो एग्जीक्यूटिव मुझे मेरे नामों को रिकमेंड नहीं करेगी। तो ये उसके इंडिपेंडेंसी को क्या करता है, इंडिपेंडेंसी को क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। बोलो बेटा, अगेन 124 जब आप पढ़ोगे, 124 का क्लास 4 उनके रिमूवल की बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है, रिमूवल के बारे में बात कर रहा है। इंपीचमेंट वर्ड नहीं यूज होता है यहां पे, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या होता है, रिमूवल होता है। तो जो इनका रिमूवल है वो 124
में क्लास 4 में बताया गया, और यही सेम प्रोसीजर जो है वो 217 में हाई कोर्ट के जजेस का है। जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का है, सेम प्रोसीजर क्या है 217 में किसका है, हाई कोर्ट के जज का है। और प्रोसीजर क्या है 124 आपको क्या बता रहा है, 124 रिमूवल के बारे में आपसे बात करता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी यानी स्पेशल मेजोरिटी से, एंड विच इज नॉट लेस देन दैट ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ दैट हाउस, टोटल मेजोरिटी ऑफ दैट हाउस। और ये कैसे होना चाहिए, इन द सेम सेशन, इन द सेम सेशन। इसका मतलब यदि आपने बजट सेशन में उसके रिमूवल के लिए लाया है तो दोनों हाउसेस से बजट सेशन में जाना चाहिए, यदि आपने रेनी सेशन में रखा हुआ है तो रेनी सेशन में ही दोनों हाउसेस से उसे पास होना चाहिए, और यदि आपने विंटर सेशन में रखा हुआ है तो उसी सेशन में होना चाहिए। ये टफ प्रोसीजर है। ये कैसा प्रोसीजर है आपका, टफ प्रोसीजर है या नहीं है बोलो भाई। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग की कितना 2/3 मेजोरिटी, जो कि कम नहीं होनी चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए, उस हाउस के यानी एलएस का जो टोटल नंबर है उसकी मेजोरिटी से कम नहीं होना चाहिए, प्लस वन, यही तो है आपका, बोलो भाई। और ये जो वैल्यू है ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है, ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब 400 अप्रोक्स यदि आपके पार्लियामेंटेरियन यदि आपके खिलाफ वोट करेंगे उसके ऊपर, तब जाकर के यहां से पास होगा, बात समझ रहे हैं आप। और यहां से पास होने के बाद ये मान लीजिए लोकसभा की बात करें तो कितना हो जाएगा, 545, 445 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, कितनी वैल्यू आनी चाहिए, लगभग 274 की वैल्यू आनी चाहिए, कितना। तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, 274 से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये कैलकुलेट करके आप देखोगे तो ये अप्रोक्स में कितना 400 के करीब या उसके ऊपर जाने के बाद ही ये वैल्यू आएगी आपकी। इतना सांसद मिल करके आपको रिमूव करना चाहेंगे तब हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्लियर हुआ। तो ये टफ प्रोसीजर है। और यहां से पास होने के बाद एलएस के बाद फिर कहां जाएगा, आरएस राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में गया तो फिर एलएस में जाएगा, दोनों हाउसेस में लाया जा सकता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, टफ प्रोसीजर है। इसका मतलब जनरली और सिंपली आप इन्हें रिमूव नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट में रोल क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट है जो कि रिकमेंडेड नियमों से करना है। दूसरा, रिमूवल का प्रोसीजर आपने देखा कितना हार्ड एंड टफ है, बोलो। और अगेन आर्टिकल 121 जब आप पढ़ते हो तो वहां पे बताया गया है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है यदि वो अपने जुडिशियल एक्ट को परफॉर्म कर रहा है तो उसके कंडक्ट के बारे में कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है। देयर इज नो एनी डिस्कशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल ही वॉज डिस्चार्जिंग जुडिशियली, बोलो भाई। जब वो जुडिशियली कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसके कंडक्ट के बारे में, उनके आचरण के बारे में कोई बात डिस्कशन नहीं हो सकती। इसका मतलब आपके माइंड में ये फियर भी नहीं हो सकता है कि आज मैंने क्या बोल दिया है और कल जो है वो पार्लियामेंट में बैठ करके मेरे ऊपर चर्चा होगी, बोलो। यू डोंट हैव एनी फियर सच टाइप ऑफ थिंग्स, आप मेरे बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकते, कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। 125 आप देखिए, 125 में ये बता दिया गया क्या कि आप मेरी सैलरी को डिडक्ट में ही नहीं कर सकते, कोई डेट्रीमेंटल डिडक्शन नहीं हो सकता है आफ्टर टेकिंग और रिसीविंग द पोस्ट, उस पद को लेने के बाद क्या नहीं किया जा सकता है, सैलरी को घटाया भी नहीं जा सकता है, ठीक है। और भी सारे प्रोविजंस है, तो मैं आपको जो सम आउट टोटल जो बात कर रहा था वो क्या बात कर रहा था, आर्टिकल देखो जरा 50, ये इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर रहा है। आर्टिकल 124 जो है ये इंडिपेंडेंस को बता रहा है। आर्टिकल 124 जो है वो इंडिपेंडेंस को बता रहा है। आर्टिकल 121 जो है ये इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर रहा है। आर्टिकल 125 जो है ये इंडिपेंडेंस को मेंटेन करता है। आर्टिकल 129 और यहां पे 215 ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, पनिश करने का राइट भी है, ये इसके इंडिपेंडेंस को बताता है। आर्टिकल 138 जो उसके जुरिस्डिक्शन को बता रहा है। ये सारे प्रोविजन जो है वो हमारी इंडियन जुडिशरी को क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसका मतलब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ठीक है। चलिए अब अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कल इसके काउंटर आर्गुमेंट्स के बारे में और इसके पांचवें लक्षण के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अब इतनी बात यदि आपको समझ में आई हो तो चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।